क्विक वीडियो शुरू कर लेते हैं। इंस्टा पर आई वाज गेटिंग लॉट ऑफ डीएम्स रिगार्डिंग माय सप्लीमेंट स्टैक। मैंने लिए हैं चीजें क्योंकि इस चैनल पे मैं जो भी चीजें बताता हूँ ट्राइड एंड टेस्टेड होती हैं। तो सबसे पहले आ जाते हैं बाबा रामदेव के प्रोटीन पर, जो है न्यूट्रेला आइसो प्योर गोल्ड। अगर आप इसको कंपेयर करते हो प्रो सेल से, जो टेस्ट है, टेस्ट की अगर आप बात करोगे तो नो डाउट इसके टेस्ट को बीट नहीं कर सकते प्रो। जो कंपनी बना रही है इस वक्त, जो प्रोटीन बना रही है, मुझे बहुत अच्छे से सूट कर रहा था इनका प्रोटीन। अगर मैं जब ये ले रहा था तब भी मैं ले आया था क्योंकि बाबा रामदेव का इस टाइम मुझे, और ये भी चॉकलेट आयरिश फ्लेवर था, 33 सर्विंग है इसके अंदर। और इसमें BCAA आपको मिलता है 7.4 ग्राम्स, ग्लूटामाइन आपको 5.7 ग्राम्स, और प्रोटीन आपको 90% मिलता है। तो मैं बिल्कुल श्योर था कि जो ये बोल रही थी बहुत बढ़िया थी, लेकिन टेस्ट के मामले में मेरे को ये अच्छा नहीं लगा है। इसके अंदर आप क्या कर सकते हो, अगर आपको ये लेना है तो आप इसमें कॉफी ऐड कर सकते हो, तो थोड़ा जो फ्लेवर है वो इसका आपको अच्छा लगेगा। ये सारे सप्लीमेंट्स मैंने ऐसे बिखेर रखे हैं, टेबल वहां लगी हुई है क्योंकि पैकिंग कर रहे हैं, टाइम नहीं है, तो समझ जाना प्लीज। तो चॉकलेट आयरिश फ्लेवर है, सारी चीजें बहुत बढ़िया लगी मुझे। और जब आप ये लोगे तो एक चीज मुझे ऐसी लगी कि वेट मेरा थोड़ा बढ़ रहा है। क्यों बढ़ रहा था ये रीजन मुझे नहीं पता है, ऐसा भी हो सकता है कि बहुत अच्छे से सूट कर रहा था और साइज भी मुझे लग रहा था। लेकिन जो प्रोसेल है, प्रोसेल से मैं अभी प्रोसेल ही ले रहा हूँ, और अभी क्योंकि टेस्ट मेरे लिए बहुत मैटर करता है कि रोज आपको एक ऐसी चीज पीनी पड़े जिसका टेस्ट आपको समझना है, तो पता नहीं को अच्छा वर्क करना चाहिए अपने टेस्ट पर, फ्लेवर पर। और ऐसा हो सकता है उन्होंने फ्लेवर ऐड नहीं कर रखे आर्टिफिशियल, इस वजह से टेस्ट नहीं आ रहा। सबकी अपनी पर्सनल चॉइस होती है, अगर आप ये फ्लेवर मैटर नहीं करता गो फॉर इट, और अगर मैटर करता है फ्लेवर तो आप प्रो सेल का ले सकते हो। इसका जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगा, लिंक पे उसका भी डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगा, वहां से ले लोगे तो थोड़ा भाई भाई को कुछ फायदा हो जाएगा अगर आप पहुंचाना चाहते हो तो, बाकी आप लोगों की इच्छा है। 25 ग्राम प्रोटीन इसमें मिलता है आपको एक स्कूप में, 6.5 ग्राम्स ऑफ BCAA मिलता है, इसमें ल्यूसीन भी आपको मिलता है। और कहा तो इसमें ये आता है कि आर्टिफिशियल कलर्स और फ्लेवर्स इसमें नहीं है, वो चीज़ सब लोग लिखते हैं, लेकिन मेरे को ऐसा लगता है कि कुछ तो किया ही होगा। लेकिन बाहर की कंपनीज का जो स्टैंडर्ड है वो मैच करना थोड़ा मुश्किल मुझे लगता है इंडियन कंपनीज की। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट पतंजलि, कहीं मेरे पीछे ऊपर चढ़ जाओ इसमें। और इसमें अगर आप डिफरेंस देखोगे, मैंने भी इतना ज्यादा नोट नहीं किया था कि इसमें क्या डिफरेंस है, लेकिन इसमें जो हमें BCAA मिल रहा है वो मिल रहा है 7.4 ग्राम्स BCAA, इसमें 6.5 ग्राम्स है, मतलब इसमें ज्यादा है। प्रोटीन जो है वो इसमें मिल रहा है आपको, इसमें पर स्कूप के हिसाब से नहीं लिखा हुआ है, इसमें लिखा है 25 ग्राम आपको मिलता है, इसमें लिखा हुआ नहीं ऊपर, तो ये बात है। और इसके अंदर कोई भी ऐसी चीज नहीं होगी जो आपको हार्म करे, इसका ये बाहर का है तो आई एम नॉट श्योर, लेकिन मेरे लिए बहुत अच्छे से काम कर रहा है। तो इसमें 62 सर्विंग्स हैं, इसमें 33 सर्विंग्स हैं, पैसे के मामले में दोनों आपको एक से ही पड़ेंगे। ये भी खूब महंगा है, ये अराउंड 3100 रुपये का है और ये अराउंड 6500 का है, तो लगभग दोनों के जो रेट है वो बराबर ही है। तो बात प्रोटीन की, प्रोटीन तो ये ले रहा हूँ। अब हम बात करते हैं CLA की। CLA आप ले सकते हो, ये एक नेचुरल फैट बर्नर है, आप एक्सरसाइज करके अपनी उसके बाद में आप एक टैबलेट ले सकते हो, एक शाम को खाने के बाद आप ले सकते हो। अगर आप अच्छी डाइट करते हो तो इट विल वर्क, अगर आप डाइट नहीं करते मेरे जैसा, आप सब कुछ खाते पीते रहते हो तो फिर आपका मेंटेन रहती है, आप में ज़्यादा फैट नहीं आता। अगर आप फिश ऑयल की बात करते हो, कुछ लोग फिश ऑयल नहीं लेते हैं, मैं टू बेसिस का ले रहा हूँ फिश ऑयल, क्योंकि जो वीगन है और वेजिटेरियन है उन लोगों के लिए चीज़ें काम नहीं करती। लेकिन ओमेगा 3 अगर आप लेते हो तो बोन्स के लिए, आपके कार्टिलेज के लिए और चीज़ों के लिए बहुत अच्छा रहता है। आयुर्वेद में ये प्रमोट नहीं किया जाता, लेकिन मैं खाता हूँ तो मैं आप लोगों को बताऊँगा कि ये सही चीज़ है, आप ले सकते हो अगर आप चाहते हो तो। अब बात आते हैं, काफ़ी सारे लोगों को दिक्कत होती है कि हम पानी ज़्यादा नहीं पी पाते, लोगों को बहुत ज़्यादा स्वेट आता है, स्वेटिंग होती है। जो लोग कार्डियो ज़्यादा करते हैं उन लोगों को डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो जाती है गर्मियों में, कई बार मेरे दोस्तों को मैंने बेहोश होते देखा है जिम में। तो उस चक्कर में आपको अगर पानी अगर आप ज़्यादा पीना चाहते हो तो एक तरीका है कि जिससे चीनी भी ज़्यादा ना बॉडी में, जैसे ग्लूकोज अगर आप लेते हो तो आपको ऐसा लगता है कि फैट ज़्यादा आ रहा है, शुगर उसके अंदर ज़्यादा होती है। वैसे ग्लूकोज मैं रिकमेंड करता हूँ ग्लूकोज लेना, लेकिन शुगर उसमें ज़्यादा होती है तो फैट आता ही आता है। तो उस केस में आप ले सकते हो इंस्टेंट इलेक्ट्रोलाइट हाइड्रेशन फास्ट स्टफ का है ये, और इसके अंदर कोई ज़्यादा आर्टिफिशियल स्वीटनर वगैरह और चीनी नहीं है, तो इससे आपका फैट नहीं बढ़ेगा और पानी का जो टेस्ट है उसको अच्छा कर देगा। अगर आपको ये फास्ट स्टफ वाला नहीं लेना है तो आप BCAA ले सकते हो, अल्ट्रा BCAA फ्रॉम प्रोसेल, बहुत अच्छा है। ब्रांच अमीनो एसिड्स, EAA में क्यों नहीं बोल रहा इस वीडियो में वो आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, EAA क्यों नहीं लेना और BCAA क्यों लेना है उसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। जो टेस्ट है बहुत ही औसम मेरे को लगा, आप ऐसा कोई भी टेस्ट लोगे, अभी तो स्ट्रॉबेरी फ्लेवर है, कोई भी फ्लेवर आप लोगे बहुत ही अच्छा लगता है पानी आपको, ज्यादा से ज्यादा 2 से 3-4 लीटर पानी आराम से पी जाओगे
और बीसीए आपकी बॉडी में कभी कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करता। वर्कआउट करते रहो, बीसीए पीते रहो, उसके बाद पीते रहो, पूरे दिन पीते रहो, तो ये गर्मियों में बहुत सही लगता है। अब पेप्सी मैं पीता हूँ, थोड़ी बहुत कोक, लेकिन उससे बेटर कि आप ये ले लो और थोड़ा बहुत कभी कभार बाहर का खा सकता है कोई भी, जिसके बिल्कुल जिसको कोई कॉम्पिटिशन नहीं लड़ना। अब बात करते हैं जिंक मैग्नीशियम ZMA की बात कर लेते हैं। मसल ब्लेज का जिंक मैग्नीशियम है ये, और आपकी जो रिकवरी होती है उसको अच्छे से करता है। मैं ये ले रहा था विंटर्स में, अब मैं नहीं ले रहा हूँ, और बहुत अच्छी नींद आती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप ये ले सकते हो। ब्लोटिंग मैंने देखा था अमेजोन पे काफी सारे इसके लिए नेगेटिव कमेंट्स आए हुए थे, ऐसा कुछ नहीं है, कोई ब्लोटिंग नहीं होती, इसको ले सकते हो आप रात को सोने से पहले। स्पिरुलिना हो गया, ये नेचुरल स्पिरुलिना है, और ये इसमें काफी सारे इनके आते हैं डिफरेंट स्पिरुलिना, आप ये ले सकते हो, और आपके जॉइंट्स के लिए, बोन्स के लिए एक अच्छा सप्लीमेंट है। डेक्सामाइन ले सकते हो, बेकर डेक्सामाइन भी बहुत अच्छे से काम करता है और बहुत ही सस्ता है, 55 रुपीज की यह बॉटल आती है। सबसे इससे अच्छा सप्लीमेंट मल्टीविटामिन नहीं है। एक और सप्लीमेंट है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है आपका लिवर किडनी केयर फ्रॉम ऑर्गेनिक इंडिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट सप्लीमेंट इसलिए है क्योंकि लिवर, जब आप इतना सब कुछ लेते हो तो लिवर किडनी आपको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, लिवर किडनी का आपको ध्यान रखना। जब आप ये लोगे तो वो सब हेल्दी रहेगा, और मेरे हिसाब से कम 6 महीने में एक बार आप अपनी पूरी बॉडी के टेस्ट करा लिया करो, जिसमें LFT, KFT, आपका यूरिक एसिड, ये सारी चीज़ें आ जाए, जिससे जब आप सप्लीमेंट लो तो टेंशन फ्री होकर लो, और कोई भी ऐसी चीज़ मत लो जिससे बॉडी को फ्यूचर में आपके हार्म हो, जब तक कि आपको कंपटीशन नहीं लड़ना। क्योंकि अगर आपको कंपटीशन लड़ना है, आपको कम्पीट करना है, तो ये सब चीज़ें इससे बहुत ऊपर की चीज़ आपको लेनी पड़ेगी। आपका बजट कम है तो आप LE52 भी ले सकते हो, ये मान लिया कि ये भी अच्छे से काम करे, जो फायदा है वो दोनों का सेम है। अब विटामिन डी की कमी हो जाती है अक्सर लोगों में, तो विटामिन डी अगर आप लोगे तो बोन्स के लिए बहुत अच्छा होता है। न्यूट्रेला है ये सप्लीमेंट, आपका पतंजलि से आपको मिल जाएगा, उन्हीं का एक डिफरेंट उन्होंने न्यूट्रेला करके निकाला है, तो इसकी 60 टैबलेट्स हैं, विटामिन डी है, नेचुरल है, बहुत अच्छा रहता है बॉडी के लिए। फिर काफ़ी सारे लोगों को प्रॉब्लम होती है, इंजरीज वगैरह होती रहती हैं, तो स्प्रे का आप लोग पूछते हो तो आप पीड़ा नहीं ले सकते हो, ये स्प्रे काफ़ी अच्छे से काम करता है। और जो रेगुलर दवाइयाँ मैं ले रहा हूँ वो है पूर्णावादी मंडूर, इस वक्त मैं लेता हूँ खाने के बाद में, आर्योगवर्धनी और आपका त्रयोदशांक गूगल, ये तीन दवाइयाँ मैं ले रहा हूँ। अश्वगंधा भी मैं ले रहा हूँ, उसका भी लिंक लगा दूंगा। शिलाजीत भी मैं ले रहा हूँ, उसका भी मैं लिंक लगा दूंगा। उसके साथ साथ वो ये हम मैं दिन में 2 बार लेता हूँ खाने के बाद में। जितने लोगों को स्लिप डिस्क या AS की प्रॉब्लम है वो लोग ले सकते हैं, कोई इनका साइड इफेक्ट नहीं होता, और गर्म पानी से। और जितने लोगों को ये प्रॉब्लम है वो काढ़ा पीना सुबह उठ के खाली पेट उसके बाद प्री वर्कआउट लेना चाहते हो, तो आप जिनको थकान बहुत ज़्यादा लगती है वो ले सकते हो लेब्राडा का सुपरचार्ज, बहुत ही अच्छा प्री वर्कआउट मेरे को लगा है ये। इसका आधा स्कूप लेना, छोटा स्कूप आता है इसका आधा ही लेना, तो आपको अच्छा इफेक्ट आपको मिल जाएगा। अगर आपको वर्कआउट करते हुए अराउंड 10-12 साल से ऊपर आप हो चुके हो, बहुत सीनियर हो, तो आप ये लेना, नहीं तो आपके लिए ब्लैक कॉफ़ी अच्छे से काम करेगी। और मेरे हिसाब से तो कैफीन भी मत लेना, क्योंकि कैफीन की आदत बहुत गंदी है आजकल मुझे लगी हुई है, और उसके बिना बहुत ही लथार्जिक फील करता हूँ मैं, लेकिन अब लग गई है तो कुछ कर नहीं सकता। लास्ट में बात करेंगे इवियॉन की। इवियॉन टैबलेट जो है आपकी स्किन के लिए बहुत अच्छा ठीक रहती है, जैसे स्ट्रेच मार्क्स मेरे को हो गए थे, जब से मैंने लेना शुरू किया मेरे कम होते हैं, तो स्ट्रेच मार्क्स के लिए बहुत अच्छा है, आप इसको तोड़ के अपने स्ट्रेच मार्क्स पे लगा सकते हो, तो विजिबिलिटी है जो स्ट्रेच मार्क्स की वो थोड़ी कम हो जाएगी। फिर आते हैं लिमसी विटामिन सी, ये भी इंपॉर्टेंट होता है, ये भी आप अपना ऐड कर सकते हो अपने सप्लीमेंट में। अगर आप फ्रूट्स अच्छे से खा लेते हो तो कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर आपको लगता है कि इसकी ऐड करने की आवश्यकता है स्किन के लिए, तो विटामिन सी इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ज़्यादा महंगा ये भी नहीं है, इसका भी मैं लिंक लगा दूंगा, एवियन का भी मैं लगा दूंगा। तो ये सारे सप्लीमेंट्स हैं जो मैं फिलहाल ले रहा हूं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं जल्द मिलूंगा आपसे एक नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए स्टे फिट, स्टे स्टाइलिश एंड स्टे।